ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं सेनापति मंगल का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, तो इसका कन्या राशि वाले जातकों के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए, 16 जनवरी 2022 दिन रविवार को शाम 3:30 पर मंगल देव अपने स्वयं की राशि वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में प्रवेश करने वाले हैं और यहां पर 26 फरवरी 2022 तक यानी 42 दिनों तक धनु राशि में ही गोचरी स्थितियों में रहने वाले हैं। तो इस समयावधि में किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण कन्या राशि वाले जातकों के लिए मंगलदेव करने जा रहे हैं, इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाले हैं। तो इसका प्रभाव 12 राशियों के साथ साथ सीमाओं पर, देश की सीमाओं पर देखने के लिए मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के ऊपर भी शेयर मार्केट के ऊपर प्रभाव ज्यादा दिखाई देने वाला है। तो यह फलादेश आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित रहेगा, तो आप इसे इसी आधार पर जरूर देखें। वैदिक ज्योतिष में मंगल ग्रह को ऊर्जा, शक्ति, साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन और अग्नि का कारक ग्रह माना जाता है। उसके साथ साथ मंगलदेव को अचल संपत्ति, विज्ञान, बल, क्षमता, विज्ञान का कारक ग्रह माना जाता है। इन सभी विषयों पर मंगल प्रभावी होते हैं। मंगल की स्थितियां जन्म कुंडली पर यदि बले हों तो जातक को खेल, सेना और प्रशासनिक क्षेत्रों में विशेष सफलता देखने के लिए मिलती है। मंगल बले हो तो जातक किसी के दबाव में रहकर कार्य नहीं कर सकता, जातक निडर होता है। यहां पर जातक का मतलब यह है, जातक में स्त्री और पुरुष दोनों आ जाते हैं। ज्योतिष का एक शब्द है जातक, जिसका प्रयोग किया जाता है। यहां पर मंगल के बलि होने पर व्यक्ति को भूमि, भवन से संबंधित अचल संपत्ति में विशेष लाभ देखने के लिए मिलता है। मंगल बलि हो तो जातक को पुलिस, प्रशासनिक क्षेत्रों में, खेल में विशेष सफलता देखने के लिए मिलती है। मंगल का बलि प्रभाव एक ओर व्यक्ति को निडर बनाता है, वहीं दूसरी ओर व्यक्ति यदि विपरीत परिस्थितियों में, प्रतिकूल चुनौतियों में फंस जाए तो अपनी सूझबूझ, अपनी क्षमता के द्वारा बाहर निकलने में समर्थ होता है। मंगल बलि हो तो जातक युद्ध में विजयी होता है और शत्रु पक्ष उसका मुकाबला नहीं कर सकते। ठीक मंगल के पीड़ित होने पर व्यक्ति झगड़ालू होता है, निरंकुश होता है, तानाशाही होता है। जातक की आंखें लाल होती है, खून से संबंधित यानी रक्तचाप की समस्या, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या और मंगल का पीड़ित प्रभाव व्यक्ति को कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में भी समस्याएं देता है। मंगल पीड़ित हो तो जन्म कुंडली पर मांगलिक दोष निर्मित होता है। यदि मंगल राशि के द्वादश भाव, लगन भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और अष्टम में होते हैं तो मांगलिक दोष बनता है। मंगल का यह प्रभाव व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं पारिवारिक जीवन में, वैवाहिक जीवन में विलंब करवाता है और समस्याएं, वैचारिक मतभेद जीवन साथी के साथ मंगल दोष देता है। मंगल यदि पीड़ित हो तो व्यक्ति को दुर्घटनाओं का सामना, आगजनी का सामना, शत्रुओं से पराजय का सामना और कर्ज भरी स्थितियों का सामना जीवन में लगातार करना पड़ता है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं कन्या राशि वाले जातकों के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलेगा, उसके पश्चात आपको उपाय भी बता रहे हैं। तो सबसे पहले कन्या राशि वाले जातकों के लिए मंगलदेव आपके राशि से चतुर्थ भाव में गोचर करने वाले हैं। राशि के चतुर्थ भाव से व्यक्ति के सुखों का विचार किया जाता है, आराम, भोग विलास का विचार किया जाता है, वाहन का विचार किया जाता है। मंगल आपके राशि के पराक्रम भाव और अष्टम के स्वामी होते हैं, तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए कहीं ना कहीं यह गोचर कई प्रकार से लाभ देने वाला है। सबसे पहले इस समयावधि में कन्या राशि के बहुत सारे जातक जो पूर्व के समय से चुनौतियों से परेशान से, यानी आर्थिक चुनौतियां यदि आपके जीवन में ज्यादा चल रही थी, उससे निजात आपको देखने के लिए मिलेंगी। परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंध बिगड़ सकते हैं,
व्यर्थ का वैचारिक मतभेद निर्मित होगा। इस गोचर के फल स्वरूप आपको जल्दबाजी करने से बचना चाहिए। कन्या राशि वाले जातक और जातिकाओं को विशेष रूप से धैर्य के साथ चलने पर विश्वास रखना चाहिए। अपना दृष्टिकोण सकारात्मक बनाकर जरूर चलना चाहिए। करियर की दिशा में जुड़े हुए कन्या राशि वाले जातक यदि लगातार प्रयासशील रहेंगे, उत्साहित होकर कार्य करेंगे तो सफलता जरूर देखने के लिए मिलेगी। आपके राशि के लिए चतुर्थ भाव में मंगलदेव मौजूद होकर चतुर्थ दृष्टि से राशि के सप्तम भाव को, सप्तम दृष्टि से राशि के दशम भाव को और अष्टम दृष्टि से राशि के इलेवंथ हाउस को देख रहे हैं, तो सबसे पहले यहां पर करियर के दृष्टिकोण से आपके लिए जो संभावनाएं हैं श्रेष्ठ बनी हुई दिखाई दे रही हैं। कन्या राशि वाले जातकों को व्यापारिक जीवन में विशेष लाभ देखने के लिए मिलने जा रहा है। हालांकि व्यापार में सोच विचार कर निवेश जरूर करें ताकि व्यापार में विपरीत असर ना पड़े। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कन्या राशि वाले जातकों को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता जरूर रहने वाली है। आपके पेट से जुड़ी हुई समस्याएं, अनिद्रा की समस्या ज्यादा दिखाई देगी, इसलिए कन्या राशि वाले जातकों को यहां पर सावधानी रखना चाहिए। योग ध्यान प्राणायाम जरूर करना चाहिए, साथ में खान पान की आदत पर भी विशेष रूप से ध्यान जरूर रखना चाहिए। कन्या राशि वाले जातकों को मंगल के परिवर्तन के फल स्वरूप जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। साथ में यदि आप कहीं पर आर्थिक रूप से कर्ज देने जा रहे हैं तो यहां पर भी विशेष सावधानी के साथ आपको व्यय करना चाहिए, कर्ज देना चाहिए। लाभ भाव पर जा रही दृष्टियां कहीं ना कहीं आपको जीवन में अप्रत्याशित लाभ देती हुई नजर आने वाली है। कन्या राशि के ऐसे जातक जो पुलिस, फौज और प्रशासनिक क्षेत्रों में जुड़े हुए हैं, साथ में डेंटिस्ट हैं, ढाबा या होटल का संचालन करते हैं, रसायन के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए यह समय श्रेष्ठ बना रहने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। पारिवारिक जीवन में जिम्मेदारियां काफी ज्यादा बढ़ी हुई रहेंगी। जिम्मेदारियों के बढ़ने के कारण अपने आप को आप व्यस्त भी महसूस पाएंगे। यहां पर कन्या राशि वाले जातकों के लिए मंगल के इस परिवर्तन के फल स्वरूप जुनून तो आपके अंदर काफी ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, परंतु यदि अपने जीवन में अपने भाई बहनों के साथ आप संबंध बेहतर बनाकर चलेंगे, परिवार और कुटुंबी जनों के साथ संबंध बेहतर रखेंगे और यदि घर का कोई अनुभवी व्यक्ति है और आपको सही राय दे रहा है, उस राय को यदि आप लेते रहेंगे तो यह गोचर आपको काफी ज्यादा देकर जाने वाला है। इस समयावधि में कन्या राशि वाले जातकों की, बहुत सारे जातकों की रचनात्मक प्रवृत्ति जागृत रहेगी और यदि आप इस समयावधि में किसी प्रकार का नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, नए कार्य शुरू करना चाह रहे हैं, उसमें आपको सफलता दिखाई देगी। ये तो रहा कन्या के ऊपर मंगल के परिवर्तन का प्रभाव। अब यदि आपको उपाय बताया जाए तो हनुमान जी की उपासना करना, मंगलवार की उपासना करना, हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करना और मंगलवार के दिन मीठा प्रसाद बांटना आपके लिए श्रेष्ठ और शुभ रहेगा। भाइयों के साथ, अपने कुटुंबी जनों के साथ संबंध को बेहतर बनाकर जरूर चलें। व्यर्थ का क्रोध करने से जरूर बचना चाहिए। मंगल को मजबूत करने के लिए जल में लाल चंदन या कुमकुम डालकर एक चुटकी जरूर नहाना आपको है। बहते हुए पानी में यदि आप लाल पुष्प प्रवाहित करते हैं तो आपके लिए मंगल की स्थितियां श्रेष्ठ बनेंगी। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी। साल 2022 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर संभावनाओं का निर्माण करें और हर क्षेत्र में आपको सफलता मिले, इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।